आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था? आपने कुछ किया क्यों नहीं? और मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर। वेलकम बैक टू मनी वीडियो। सवाल एक्शन करने वाले भाई जरूर रहा, ठीक है? बैक टू बैक वीडियो आ रही है और फाइनल मैसेज है भाई का। सो चेक करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो व्हाट इज इट, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी है, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कोई नहीं जानता। मार्च 2024 में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल ने बीजेपी लेड एनडीए को 411 सीट्स दी थी। उसी समय इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने इन्हें 399 सीटें दी थी। अच्छा। अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 400 पार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी इसी 400 पार के नारे से करी थी। लेकिन क्या है इस 400 पार का मतलब? ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोवल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे ये अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उसके अंदर अमल चाहिए। बाद में बीजेपी ने इन बयानों से अपना मुंह मोड़ लिया, कई सारे नेताओं ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन ये सब चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद हुआ। हमारा प्यारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़े। बिल्कुल। हाँ, मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूँ तो एक यूट्यूबर ही ना। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी, लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशन वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड देश के पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज पर ये सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी, ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ, मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचा। क्या बात है? जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो मैं हैरान था देखकर कि 25 मिलियन, ये बात साफ थी कि आप लोगों के अंदर भी वही फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी, आप लोगों के दिल में भी वही चिंता आप लोगों को सता रही थी जो मेरे दिल में मुझे सता रही थी। यही कारण है कि इतने सारे लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया और इसे शेयर किया। लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद दो और ऐसी घटनाएं घटती हैं। अच्छा। पहला अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना और दूसरा कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं में गलत ही क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, इसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था। एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी, और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे कि उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। एनीवेज, बात यह है कि मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो बात मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी वो बात सच साबित होती जा रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे लगा कि कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी, एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है, एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल के बारे में ऑब्सेस्ड होना बंद करो क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी? क्या सही में हमें आजादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में, आजादी मिली हमें 1947 में, यानी आजादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आजादी मिलेगी, और गारंटी तो छोड़ो उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आजादी मिलने की, लेकिन फिर भी जो सही चीज थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची,
इस फोटो को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाजी सल्यूट कर रही थी। ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लैंडमेसर, ये हाथ मोड़ कर खड़ा था सल्यूट करने को राजी नहीं। जूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे पर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो सल्यूट नहीं कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा, हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? ना, इसने अभी फल की नहीं सोची, इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहां थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था, शायद मेरी कोशिश नाकाम रही लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले एक दो महीने में रिलीज किए गए वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ यूट्यूब पर ही। इसके मायने समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर ली। आप ऐसे कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा। अब एक्चुअली में नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें। ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ यूट्यूब की है, इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप लोगों ने इतनी बार इन वीडियोस को शेयर किया, मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20-25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से है। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पैसे बर्बाद करूंगा बॉट्स खरीदने में या फिर पेड कमेंट्स खरीदने में। वीडियोस पर देखे जितने भी लाइक्स, जितने भी व्यूज आप वीडियोस पर देख रहे हो, ये सब के सब 100% असली लोग हैं। इस संघर्ष में जितनी कोशिश मैंने की है उससे कहीं ज्यादा कोशिश आप लोगों ने करी है। एक कमेंट मैंने देखा जिसमें आप में से किसी ने लिखा था कि आपने 850 लोगों को मेरा एक वीडियो फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पर। एक आदमी की रिसेंटली वीडियो देखी जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर हमारे वीडियोस देख रहा था। कई सारे ग्राउंड इंटरव्यूज में मैंने लोगों के मुंह से अपना नाम सुना, ये देखकर खुशी हुई कि बच्चे भी सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहे थे। एक वीडियो में ईडी की वेपनाइजेशन की बात करता है कोई लड़का, तो यूट्यूब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा ध्रुव राठी के वीडियोस देखकर पता चला। आपने कहा ईडी, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है, ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि वो कितना इंस्पायर्ड फील किए इन वीडियोस को देखकर। एक एक्टर ने मुझे बताया जिस दिन मुंबई में वोटिंग थी उस दौरान उनकी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन हमारे प्रयास को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उस दिन उनकी उन्होंने रिटर्न फ्लाइट बुक करा ली। कई फॉरेन में रहने वाले लोगों ने मुझे यही चीज लिखकर बताई कि सिर्फ मेरे वीडियोस को देखकर वो इतना मोटिवेट हुए वोट करने को कि वो फ्लाइट पकड़कर आ गए सिर्फ वोटिंग के लिए। दूसरी तरफ किसी ने बताया कि उनके एक दोस्त ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और प्रोजेक्टर लेकर हरियाणा और राजस्थान में चले गए, गांव-गांव में लोगों को ये वीडियो दिखाने लगे प्रोजेक्टर के जरिए। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसी कई स्टेट्स में ऐसे नजारे देखने को मिले जहां पर इन वीडियोस को पब्लिक में प्ले किया गया। भारत और दुनिया भर के कई अखबारों में हमारे इस संघर्ष की चर्चा छपी। फ्रांस 24, द इकोनॉमिस्ट, अल जजीरा, टाइम मैगजीन, द टेलीग्राफ, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, दुनिया में अगर डंका किसी का बज रहा था तो वो हमारा बज रहा था दोस्तों। ये सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरी, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इंजाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन ने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए। तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा करेक्ट होता है। अच्छा। इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते, तो कैसे काउंटर करा जाए इसे? ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ధ్రువరాటి అనే వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళు చరిత్ర ఇంకా మార్చేస్తున్నారు, చాలా మంది లైక్ యూసర్స్ దాని గురించి మీరు వాళ్ళు యూట్యూబ్ కి కంప్లైంట్స్ ఉంటారు,
వారు యూట్యూబ్ రెగ్యులేషన్స్ కి కరెక్ట్ ఉంటారు. అన్లెస్ అంటిల్ వాళ్ళు అక్కడ చేర్చాడు చేస్తే మనం నిలకొచ్చు. वाह क्या बात कही है. देखो देखो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैसे आपके हेटर्स भी सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं. अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए. ये कहते हैं कि प्लान है इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ. झूठी खबरें फैलाओ कि जैसे ध्रुव राठी ने झूठ बोला हो कि प्रधानमंत्री मोदी सनी लियोनी को मंत्री बनाने वाले हैं. सनी लियोनी देखते नरेंद्र मोदी कैबिनेट लो महिला शिक्षा शाखा के मंत्री जैसे नरेंद्र राठी जैसे. वाह क्या प्लान बनाया है. यानी कि फेक न्यूज फैलाओ कि ध्रुव राठी ने फेक न्यूज फैलाई है. दोस्तों मैं अक्सर बात करता हूं अपने वीडियोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की. इन लोगों ने वहां भी कसर नहीं छोड़ी. डीप फेक का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ एक झूठी खबर फैलाने के लिए. किसी ने ये झूठी ऑडियो क्लिप डाली जिसमें मेरी आवाज को इमिटेट करने की कोशिश करी गई. ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि मैं फोन कॉल पर किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था और पैसे मांग रहा. डोंट वरी, आई एम विद यू. अब चिंता ना करो. आई एम वार्निंग यू, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे. तुम्हारा पैसा टाइप पे मिलता है? हां, मुझे तो यूके से आता है ना, मेरा चैनल क्लियर है. ही इज नो नीड टू डिपेंड देम ऑन दिस. नो नीड. आई विल कॉल यू. मैं बात करता हूं आपसे. देखो किस हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए. ऊपर से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहां पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर. कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों. कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है. जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है. व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली. दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है. बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो. ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया. इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये. एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी. खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था. ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे. इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में ये भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है तो. ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका. मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. ऐसी हरकत इनके गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं. कुछ भी बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है. भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो. इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप. मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं. मशहूर लेखक शहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है. ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं. ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कुछ हर्ट फील होता हो, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन दुख जरूर होता है. दुख होता है कि ये कैसा कल्चर बना दिया इन्होंने देश में. कहां तो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि विचारों को हर दिशा से आने दो, और आज 2024 में ये ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन इनसे अलग हो जाए तो आप इनके लिए जानी दुश्मन की तरह बन जाते हो. एक डेस्परेशन है इनकी तरफ से कि अगर किसी का विचार इनसे नहीं मिलता हो तो उसे किसी ना किसी तरीके से देशद्रोही दिखा दो, फॉरेन फंडेड दिखा दो. कई बार तो मुझे बड़ा अनरियल सा लगता है ये सब देखकर. देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो. लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, आपकी तरफ से इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे मिला कि इनकी कोई भी झूठ की दुकान टिक नहीं पाई. हर रोज के मुझे हजारों मैसेजेस मिले, ईमेल्स मिली, किसी ने आप में से मेरी पेंटिंग बना दी, किसी ने कोई गाना ही बना डाला. लाखों लोगों का लव और रिस्पेक्ट मिला, लोगों ने एडिट्स बनाए, किसी ने मुझे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा, किसी ने रेवोल्यूशनरी कहा. इसलिए आपके इन लाखों कॉम्प्लीमेंट्स के बीच गोदी इकोसिस्टम के सभी अटैक्स फेल रहे हैं. चरण वंदना करने वाले लोग डेली बेसिस पर अपनी बदतमीजी का सबूत देते रहे और हम देश के मुद्दों पर बात करते रहे. बेरोजगारी पर वीडियोस बनाए, किसानों के मुद्दे उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बात करी, फार्मा स्कैम की बात करी, खाने में डलने वाले मसालों की बात करी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चारों डिपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया. इसी तरह से हमारा मिशन 100 करोड़ चलता रहा. यह मेरे अकेले का मिशन नहीं था, यह हम सबका मिशन था. हर एक उस भारतीय का मिशन है जो देश की फिक्र करता है, जो देश को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है. जो आपका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी हमसे ये एहसास नहीं छीन सकता. इस एहसास को इस वीडियो में सहजने की मुझे जरूरत महसूस हुई. लगा कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जब भी दुनिया में किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो और देश के लोगों को जब भी हिम्मत चाहिए हो, तो हमारी ये दास्ता उनके लिए एक प्रेरणा बन सके. और वैसे दूसरों के लिए ही क्यों, ये दास्ता हमारे लिए भी तो एक प्रेरणा है. ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है. क्या पता कल के चुनाव के नतीजों में बीजेपी वाकई 350-400 सीट जीत जाए और प्रधानमंत्री देश को तानाशाही की दिशा में ही आगे बढ़ाते रहे.
तब क्या करेंगे? प्रेरणा लेंगे अभी तक के इस सफर से, इस वीडियो से, और कोशिश को जारी रखेंगे। और अगर कल इंडिया अलायंस की भी जीत हुई तब भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतना तो है कि देश में ध्रुवीकरण कम होगा, तानाशाही के काले बादल छट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। किसी ने एक बार कॉमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा। ऑब्वियसली उठाऊंगा, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है। और जब सब ठीक भी हो जाए तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है, यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। कहां हम सपने देखते हैं देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, लेकिन पिछले 10 सालों में हालत ये हो गई कि कुछ लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करने लगे। राजनीति में ईमानदार और शरीफ नेताओं की कमी है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी का इशू है, पॉल्यूशन एक मेजर समस्या है। सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जहां पर हर इंसान साफ हवा में सांस ले, साफ पानी पिए, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान, हर पशु पक्षी के लिए जीने लायक हो। क्या धरती पर एक स्वर्ग बनाना मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं बस सही कर्म करने पर ध्यान दूंगा, फल पर ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फेयर डिसूजा, मीना कोटवाल, सर्वप्रिय सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट, केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। पत्रकारों के अलावा वुमेन इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक अहम रोल निभाया। डॉक्टर मेडुसा, रैंटिंग गोला, कबीरान, गरिमा, नेहा सिंह राठौड़, किसी ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी तो किसी ने सैटायर में, तो किसी ने गाकर। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक रिएक्शन वीडियोस होते हैं उनमें कितनी ही औरतें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हुई दिखाई दी। अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं, मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसका इंप्लीकेशन क्या है? जब कोई महिला इस तरह से देश की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है, उसके पर्सनल राइट्स ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं। वो किसी से फ्रीडम मांगती नहीं है बल्कि संविधान द्वारा दी गई फ्रीडम को खुद से रिक्लेम कर लेती है। जय भीम फिल्म का ये जो आखिरी सीन है, इसी तरीके से देश की हर एक लड़की और औरत को अखबार उठा लेना चाहिए। बहुत हो चुका ये हनी सिंह टाइप के गानों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, एक ऐसे इंसान की तरह देखना जो कि हनी सिंह को क्यों तोड़ रहे हो भाई, उसका क्या कसूर है? ठीक है, वो एक गायक है भाई, केवल सजना सवरना जानता हो। बहुत हो चुका ये शॉपिंग लवर वाला जो लेबल है, कोई गर्व की बात नहीं है इसमें। बहुत हो चुके ये स्टीरियोटाइप्स की लड़कियां पॉलिटिक्स को नहीं समझती। अब बाहर निकलिए इस कोकून से। याद रखिए कि इसी दुनिया में एक डाफ्ने गैलिजिया थी जिन्होंने पनामा पेपर्स के जरिए पूरी दुनिया के करप्ट लोगों को एक्सपोज कर दिया और अपनी पत्रकारिता करते हुए शहीद हो गए। लेकिन बात यहां सिर्फ औरतों की नहीं है। रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकारों ने संघर्ष किया सच दिखाने का। अर्पित शर्मा और मुकेश मोहन जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिम्मत दिखाई आवाज उठाने की। लेकिन आप फिर भी सोचो कि आप अकेले क्या कर सकते हो। कई बार बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग हेल्पलेसनेस जताते हैं कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। आप में से कईयों ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। मैं यहां पर कहूंगा कि देश के लिए कुछ करने की बजाय सभी कुछ देश के लिए क्यों नहीं किया जाए। पहली बात, अपनी कॉम्युनल कास्टिस्ट मिसोजिनिस्ट क्लासिस्ट सोच का इलाज करें अगर आपकी वैसी सोच है तो। फिर कई वीडियोस में मैंने बताया है कि हमें वोकल फॉर लोकल को एक जुमले की जगह हकीकत बनाना होगा। कोशिश करें खाने का सामान जितना सीधा किसान से खरीदा जा सके उतना ही बेहतर है। इसी तरीके से आप कपड़ों को या घर के डेकोरेशन आइटम्स को जितना लोकली खरीदे उतना बेहतर है। इससे जो अमीर गरीब के बीच वेल्थ इनइक्वालिटी है वो कम होगी। अपने घर से जब निकले तो हमेशा एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर चले ताकि प्लास्टिक यूजेज को कम कर सके, गंदगी ना फैलाएं। अपने आसपास पौधे और पेड़ लगाएं, उनका रख रखाव करें, हर एक चुनाव में वोट करें। इस बार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं देखी गई। बहुत सी जगहों पर पोलिंग ऑफिसर्स रात को 2-3 बजे तक अपने घर पहुंच पाए। क्या ये सब एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। इस इनएफिशिएंसी के अलावा ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए जहां पर इलेक्शंस फ्री और फेयर ना होने के सवाल उठाए गए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश के संबल में, सूरत और इंदौर जैसी कई जगहों पर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करी गई। एक के बाद एक भाषण में इवन प्रधानमंत्री ने बार बार धर्म के नाम पर हेट स्पीच फैलाई अपने भाषणों में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया। इस चुनावी प्रक्रिया को फ्री और फेयर करने के लिए जो आवाज उठाने की जरूरत है, जिस आंदोलन की जरूरत है, वो हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हर पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तभी इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं प्रोफेशंस में सीमित नहीं है, ये बात हर प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी आप काम करते हो उसे अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, हर एक आईएएस ऑफिसर रॉब झाड़ने के बजाय खुद को जन सेवक की तरह देखें, ईमानदारी से जनता के लिए काम करें। पुलिस वाले क्राइम को रोकने के लिए कमिटेड हो। फिल्म मेकर एनिमल जैसी क्रिंज फिल्में बनाने की बजाय मीनिंगफुल फिल्में बनाएं। अगर आप एक रेस्टोरेंट या ढाबा चलाते हैं तो लोगों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाएं ताकि लोगों की सेहत का नुकसान ना हो और उन्हें मजा भी आए और देश का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़े। सभी लोग अगर अपना प्रोफेशन देश में ईमानदारी से करने लगे तो देश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। और ये काम हम में से हर किसी को करना होगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी बात टाइम आने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी
अभी के लिए शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। Okay. धन्यवाद और जय हिंद। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये चुनियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन तक, तू जिंदा पूरी कला बने स्वर्ग तो उतार। सो भाई ये थी वीडियो दुर्गा, ठीक है। और बहुत चीज़ें मुझे बढ़िया लगी भाई की, जो भाई ने बोला कि रिजल्ट कोई भी हो, पार्टी कोई भी है, ठीक है, हम जो काम करते हैं वो करते रहेंगे चाहे कोई भी सरकार है, ठीक है। सो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक कर दो, समझ लेते हैं।